हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है ज़की। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि सैमसंग पे कैसे आप लोग सेटअप कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फ़ोन में सैमसंग पे यूज़ करना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है कि सैमसंग पे कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे उसमें अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ऐड किया जाता है और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं सैमसंग पे। बहुत ही इजी सेटअप है, तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को यहां पर गैलेक्सी स्टोर में चलना है। गैलेक्सी स्टोर ओपन हो जाने के बाद ऊपर में यहां पर सर्च के बटन पे टाइप करना है सैमसंग पे इंडिया। उसके बाद यहाँ पर सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग पे इंडिया यहाँ पर आ चुका है। सिंपली आपको इस पर टैप करना है। सिंपली आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। और इसका साइज़ देख सकते हैं 132 MB है, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर एप्लीकेशन है। तो इसको फटाफट मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने डिवाइस में। यहाँ पर देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखा देना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे यहाँ पर डिटेल्स लिखे गए हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर आइडिया लग जाएगा सैमसंग पे इंडिया के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है इस डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग ज़रूर से डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हुए कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, तो आप लोग यहाँ पर अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। टॉप में यहाँ पर दिया गया है कुछ डिटेल्स, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सिक्योर है। उसको कैसे पेमेंट किया जाता है वो सब यहाँ पर पिक्चर में शो कर रहा है। उसके नीचे यहाँ पर गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं पे विथ योर फोन वर्चुअल एनीवेयर, तो आप लोग यहाँ पर सैमसंग पे से कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ अर्न पॉइंट्स फ्रॉम योर परचेस, तो आप लोग कुछ भी परचेस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेंगे। उसके अलावा गाइज आपको यहाँ पर पे लिखा हुआ है, पे पे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कैन कार्ड आपको यहां पर दिया जाता है। उसके बगल में यहां देख सकते हैं ऐड योर वीम UPI वॉलेट एंड मोर, यहां पर आप अपना वॉलेट भी बना सकते हैं वीम UPI जनरेट करके। उसके अलावा गाइज यहां पर डिस्कवर लिखा हुआ, इस पे चलते हैं तो यहां पर आपको गेट क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन, क्रेडिट स्कोर और गिफ्ट कार्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं फ्री क्रेडिट स्कोर भी आपको यहाँ पर दिया जाता है, फीचर्स गिफ्ट कार्ड्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, तो काफ़ी आपको यहाँ पर फीचर्स जो है वो मिलता है सैमसंग पे में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर होम पे चले आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर गेट स्टार्टेड करते हैं। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग पे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लिखे गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में क्लिक कर देना है और यहाँ पर सारा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए बोलेगा, तो आप लोग यहाँ पर फिंगरप्रिंट को ऐड कर लीजिएगा। फिंगरप्रिंट ऐड होने के बाद आपको यहाँ पर 4-डिजिट नंबर मांग रहा है, तो आप लोग यहां पर दे दीजिएगा जो भी आप यहां पर नंबर देना चाहते हैं। यहां देख सकते हैं सैमसंग पे आ चुका है। फर्स्ट में यहां पर दिया जाता है ऐड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यहां पर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को ऐड कर सकते हैं। नीचे में यहां पर लिखा हुआ है रजिस्टर UPI एंड वॉलेट्स, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ऐड कर लेते हैं। सिंपली आपको इस पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है टैप एंड पे, यहाँ पे आप क्या रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, आप जो भी चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर सेट एज डिफॉल्ट रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ। डन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ओके कर देना है। डेबिट कार्ड को ऐड कर लेते हैं इस पर टैप करके। यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका रियर कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना डेबिट कार्ड को रखना है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो है
स्कैन कर लेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है स्कैन कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, जो भी नाम आपका है बैंक अकाउंट में। तो मैं यहाँ पर अपना नाम जो है दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना नाम जो है वो दे दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योर कोड देना है, जो कि डेबिट कार्ड के पीछे लिखा रहता है, मैं यहाँ पर वो दे देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है, सिंपली आपको यहाँ पर एग्री टू ऑल कर देना है। यहाँ पर ये वैलिडेशन हो रहा है बैंक के थ्रू, बैंक यहाँ पर आपके डेबिट कार्ड को अच्छे से वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, जो आपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर दिया है वो नंबर पर आपको एक ओटीपी दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली टैप कर देना है और यहाँ पर उस नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो फिल विद सैमसंग पास्क वाला जो है आ रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पर डिनाई कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पर अलाउ कर दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको डिनाई कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना ओटीपी डाल देना है जो कि बैंक की तरफ से आया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, डन कर देना है या फिर आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा SBI डेबिट कार्ड जो है वो ऐड हो चुका है सैमसंग पे में। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डन कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पर अनदर कार्ड ऐड कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई अलग बैंक का डेबिट कार्ड है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर डन कर देना है। डन कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो डेबिट कार्ड है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं कहीं भी। पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पर नीचे से ऊपर स्वाइप करना होगा और यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट देना होगा, अगर आप लोगों ने यहाँ पर पिन दिया है 4 डिजिट वाला पिन तो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो रेडी है पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर जो सिंबल दे रहा है NFC का वो यहाँ पर शो कर रहा है, जिस मशीन में ऐसा सिंबल दिया होगा उसमें आप यहाँ पर NFC जरिए पेमेंट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ और डिटेल्स बता देता हूँ। ये जो है सैमसंग पे ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है बाकी अदर वॉलेट से। अगर आप लोग कोई अदर वॉलेट यूज़ करते हैं जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, एप्पल पे, तो वैसे ही आपको यहाँ पर सैमसंग पे दिया जाता है, काफ़ी सिक्योर है। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है सैमसंग पे तो यहाँ पर आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, काफ़ी सिक्योर है और बहुत ही फास्ट है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा कि कैसे यहाँ पर डेबिट कार्ड को ऐड किया जाता है। वैसे ही आप जैसे डेबिट कार्ड को ऐड कर रहे हैं वैसे ही आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं सैमसंग पे में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर सैमसंग पे में आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं भीम UPI, वो भी आप लोगों को यहाँ पर करके बता दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। तो वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, वीडियो अच्छा तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।